नमस्ते बच्चों, हम लोगों ने कक्षा एक में हिंदी भाषा के पार्ट एक में भाषा पढ़ा था, आपको समझाया था और भाषा के बारे में 3-4 लाइनें लिखाया था। आपने घर में पढ़ा था, ठीक है बच्चों, अच्छा किया था। आज है पार्ट 2 और भाषा के रूप कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, हम वही आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर है भाषा के। प्रश्न एक है, भाषा के कितने रूप होते हैं। यह हमने आपको कल बताया था कि पढ़ना लिखना रूप होता है, तो भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरा प्रश्न है, भाषा के रूपों के नाम लिखो। जो दो वो है, भाषा के रूप है मौखिक और लिखित, उसका नाम लिखना है। लिखित भाषा जो कि हम लिख कर करते हैं और मौखिक भाषा बोल कर करते हैं। लिखित भाषा जैसे आपको इसी में पता चल रहा, लिखित मतलब लिख के करना है और मौखिक मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं उसको बोलते हैं मौखिक भाषा, ठीक है। तो एक हो गया, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के रूपों के नाम लिखो, एक है लिखित भाषा और एक है मौखिक भाषा। अब आपका गृह कार्य में कार्य क्या है कि भाषा के प्रश्न उत्तर याद करके कॉपी में लिखेंगे। ये जो 2 प्रश्न हैं ये आप याद करके कॉपी में लिखेंगे, ठीक है बच्चों।